नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य रंजन और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने सोचा कि चलिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है, मैं काफ़ी टाइम से ही पढ़ा रहा हूँ और इससे बच्चे रिलेटेड इससे क्वेश्चन काफ़ी उठाते हैं। हमेशा इससे रिलेटेड 9th और 10th के बच्चे जो है इससे क्वेश्चन रिलेटेड उठाते हैं। तो चलिए, हालांकि उनके चैप्टर में, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत अगर उनको मैं समझा सकूं तो। आप सभी भी देखिएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे पहला अगर कोई थ्योरी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एलिगेंट थ्योरी अगर फिजिक्स में कोई दिया गया था तो वो मैकेनिक्स में था, न्यूटन का। ओके, तो न्यूटन का जो थ्योरी हमने फिजिक्स में पढ़ा था, जिसे हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। तो 1900 से पहले का जो पीरियड है फिजिक्स का, वह टाइम 1900 से पहले का जो पीरियड, उसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं या न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आज न्यूटोनियन फिजिक्स के बारे में और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो काफ़ी हद तक फिजिक्स की सारी बातें जो हैं वो डिफाइन अच्छी तरह से, सेटिस्फैक्टरी तरीके से एक्सप्लेन तो कर देता था, लेकिन जब बात होती थी काफ़ी हाई स्पीड मूव करती हुई बॉडी की, ठीक है ना, जब भी कोई बात होती थी बहुत तेज गति से मूव करती हुई बॉडी की, तो यहाँ पर न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, न्यूटन का जो फिजिक्स है वो फेल हो जाता था, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, ठीक है। न्यूटन जो है बहुत सारी बातों को वो क्या करते थे कि एब्सोल्यूट मान के चलते थे, जैसे कि स्पेस टाइम मास को न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो थी या क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो बात करते हैं हम लोग, वो एब्सोल्यूट उसे मानते थे, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हुई कि जब बहुत ही फास्ट मूविंग कोई ऑब्जेक्ट थी, फास्ट मूविंग कोई बॉडी थी, तो उस कंडीशन में न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस बात को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा था, या उनकी थ्योरी जो थी वो सही तरीके से बैठ नहीं रही थी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ओके, तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, तो 1/2 mv² के फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कहा गया था कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है तो 1/2 mv² हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी भी बॉडी की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जो है उसको 4 times इंक्रीज कर देता हूँ, 4 गुनी अगर मैं बढ़ा देता हूँ, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 4 गुनी बढ़ा देता हूँ, तो 4 गुनी कैसे बढ़ेगा, तो फॉर्मूला जो है 1/2 mv², तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी को, वी देख रहे हैं ना, वी जो है यह है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, तो उस मूविंग बॉडी की अगर वेलोसिटी अगर मैं 2 times कर दूं, पहले के मुकाबले अगर मैं 2 गुनी कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, v का स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 4 times, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर डबल कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुनी हो जानी चाहिए, ओके। यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है कि किसी भी मूविंग बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी जो है अगर आप 4 गुनी करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि उसकी वेलोसिटी को आप डबल कर दो और रिलेशन जो है k = 1/mv², ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा जो कि 4 गुनी होगा। लेकिन जब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुनी बढ़ाई गई, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, अब यहाँ पर आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन की, मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 10 MeV, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है, 10 MeV है। अब इसकी एनर्जी जो है इसको बढ़ा दी गई और अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं K1, K2 में चेंज कर दी गई, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 4 गुनी बढ़ा के इसको कर दी जाती है 40 MeV। हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुनी हमने बढ़ा दी। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी बढ़ा दी तो निश्चित तौर पे इसकी वेलोसिटी जो है बॉडी की वो भी लगभग 2 गुनी तो हो ही जानी चाहिए थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी 10 MeV थी, तो उसकी उस समय वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, तो मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो थी 0.9988, ये क्या है, टाइम्स ऑफ c, इतनी उसकी
वेलोसिटी थी, 0.9988 टाइम्स ऑफ सी जो है उसकी वेलोसिटी थी। आपने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी को आपने 4 गुनी बढ़ा दिया, 4 टाइम्स आपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, तो आपकी वेलोसिटी जो है अब इसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ अर्लियर वेलोसिटी होनी चाहिए थी। अर्लियर वेलोसिटी कितनी है, तो ये है 0.9988 × c, इतनी थी, तो 2 टाइम्स हो जानी चाहिए थी। यानी कि 2 टाइम्स करने के बाद आपको वैल्यू जो है वो कितनी मिलनी चाहिए थी, तो वो मिलनी चाहिए थी 1.9976 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो डबल हो जानी चाहिए थी इसकी वेलोसिटी। हालांकि जब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4 गुनी बढ़ाई गई, तो हमने देखा कि जो वेलोसिटी उसकी जो थी पहले, और जब वेलोसिटी हमें उसे मिलनी चाहिए थी दोबारा, तो वो वेलोसिटी हमको नहीं मिली। हमें जो वेलोसिटी मिलती है तो वो कितनी मिलती है, तो एनर्जी 4 गुनी बढ़ाने के बाद जो वेलोसिटी वी डैश की वैल्यू मिलती है वो आपको मिलती है 0.9999 टाइम्स ऑफ सी। सिर्फ इतनी ही मिलती है, इतना ही का डिफरेंस हुआ है। आपने देखा कि डबल नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है काम नहीं कर रहा है। अब बात ये होता है कि भाई काम क्यों नहीं कर रहा है, तो काम इसलिए नहीं कर रहा है कि काफी फास्ट मूविंग बॉडी पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ना कई जगह फेल होती हुई साबित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आइंस्टाइन की थ्योरी की जरूरत पड़ी, उन्होंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब तरीका बताया। आइंस्टाइन ने 1905 यानी 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉरवर्ड किया था। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी उसकी जो डेवलपमेंट हुई थी आइंस्टाइन के द्वारा हुई थी, और आइंस्टाइन ने इसे 1905 में डेवलप किया था। ठीक है, ये जो थ्योरी थी वो काफी ज्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, काफी ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया था ओल्ड कॉन्सेप्ट को, और नए रियलाइजेशंस जो है, नई आउटकम्स जो है अब आपको देखने को मिल गई। चाहे वो नेचर ऑफ मास के बारे में हम बात करें, लेंथ के बारे में बात करें, या टाइम के बारे में बात करें, बहुत सारी नई बातें हमें पता चली। ओल्ड कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा इसने चेंज कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। हालांकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पूरी तरह से पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को काफ़ी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो है वो है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, मैं इसे लिखता हूँ। हमारा पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, मास जो है कैसे वेरी करता है वेलोसिटी के बदलने से। ठीक है, मास पे क्या कोई असर पड़ता है वेलोसिटी यानी गति में बदलाव होने की वजह से, तो निश्चित तौर पे पड़ता है। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कहा गया था कि मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने क्या कहा था कि मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कैसे वैरी करता है, तो इसको लेकर आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को हम देखते हैं। तो उन्होंने इक्वेशन जो दिया था वो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 - v² / c². ये इक्वेशन जो है आइंस्टाइन ने दिया था। ओके, और इस इक्वेशन पे उन्होंने क्या था कहा था कि m जो है वो क्या है, तो m जो था उसे उन्होंने कहा ये है रिलेटिविस्टिक मास। ओके, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है ना, तो उस वक्त की जो उसकी मास होती है उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। m नॉट जो है, m नॉट क्या है, तो m नॉट जो है, m नॉट को उन्होंने कहा कि ये है आपका रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी वस्तु की रेस्ट मास कहने का मतलब ये है कि जब वो रुका होता है तो उस समय उसकी मास कितनी थी। ओके, और m का मतलब ये है कि जब वो बॉडी मूव कर रहा था तो उस वक्त उसकी मास कितनी थी। ओके, c क्या है, c भी देख लीजिए। c जो है, c को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। और c की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही जो v है यहां पर, वो v क्या है, तो v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी।
ठीक है, वी जो है वेलोसिटी आपकी बॉडी है, यानी कि बॉडी जो मूव कर रही है आखिर किस गति से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन देखा, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इक्वेशन दिया था। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी बॉडी की मास जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी बॉडी की मास को बदला जा सकता है। अब वो मास को कैसे हम बदल सकते हैं, तो इसके लिए एक बात उन्होंने ये कही थी कि मास जो है किसी भी बॉडी की हम वेरी करा सकते हैं अगर वो बॉडी मोशन में है। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसकी मास जो है वेरी करती है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि बॉडी की जो मास है वो वेलोसिटी के साथ वेरी करती है, मास वेरीज विद वेलोसिटी। ओके, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट का नाम दिया था, वो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, इस पॉइंट का नाम था जो हमने अभी दिया था। ओके, तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उस बॉडी की जो मास होती है वो कितनी होगी, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, आइंस्टाइन के दिया हुआ इक्वेशन जो कहता है कि m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी बॉडी का रेस्ट मास है, रुकी हुई वस्तु का मास। v क्या है, जब वो बॉडी मूव करती है तो किस गति से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इस इक्वेशन पर रख के आप मास निकाल सकते हो। ठीक है ना, m क्या है, वो रिलेटिविस्टिक मास है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं। उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फेमस इक्वेशन, काफी फेमस है। मास एनर्जी रिलेशन जो है वो काफी फेमस रिलेशन है रिलेटिविटी का, और ये हमें इक्विवेलेंस बताता है मास और एनर्जी के बीच में। इक्विवेलेंस कहने का मतलब कि मास और एनर्जी के बीच में सापेक्षता यानी समानता हमें बताता है। और इसे हम कैसे डिराइव करते हैं, ये इक्वेशन हमें मिला कैसे, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इक्वेशन जो है आज हम डिराइव करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये इक्वेशन हमें मिला कैसे। तो चलिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास जो है मास को कॉन्स्टेंट माना गया था, एब्सोल्यूट माना गया था। ओके, लेकिन ये तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में माना था, लेकिन आइंस्टाइन जो है वो मास को कांस्टेंट नहीं मानते, वो मास को वेरिएबल मानते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये बॉडी जो है इसकी मास जो है वो m मास है। ठीक है, और ये बॉडी जो है मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ओके, ये बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अब इस बॉडी पे अगर आपने कोई फोर्स लगा दिया, ओके, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, तो किसी भी बॉडी पर जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी की जो मोमेंटम होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो आपको पता है कि न्यूटन ने सेकेंड लॉ दिया था। ठीक है, न्यूटन ने जब सेकेंड लॉ के बारे में बात किया था तो उन्होंने क्या कहा था, तो न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है F, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp बाई dt। ओके, तो अब यहाँ पर p क्या है, तो यहाँ पर जो p है वो p है आपका मोमेंटम, और मोमेंटम जो है न्यूटनियन मैकेनिक्स के अनुसार ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, P इज इक्वल टू एम वी। तो हम अभी क्या करते हैं कि इसे हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 जो है इसे मानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाई dt और P की जगह पर आप रख दोगे एम वी। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर d बाई dt है, d बाई dt यानी कि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है mv को। ओके, तो इससे पहले जब हम डिफरेंशिएट करते थे, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt को जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डिफरेंशिएट करते थे तो कुछ इस तरह से होता था, p की जगह पर हम रख देते थे mv रखते थे और मास को कांस्टेंट मानते थे न्यूटन, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे और ये हो जाता था dv by dt और dv by dt जो है वो हो जाता था एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाता था m इनटू a, क्योंकि यहाँ पर जिस कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू क्या थी, 1। ओके, तो लेकिन ये तो न्यूटन का दिया हुआ इक्वेशन था ना, यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर हमने कहा कि आइंस्टाइन जो है मास को कांस्टेंट नहीं मानते, वो मास को क्या मानते हैं, मास को वो वेरिएबल मानते हैं। ओके, तो जब मास को वेरिएबल आप मानोगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कुछ दूसरे तरीके से होगा। कैसे होगा, अभी हम मास को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d
dy/dt ब्रैकेट में क्या है आपका mv, तो हम यहाँ पर m को भी डिफरेंशिएट करेंगे और v को भी वेरिएबल मानेंगे, दोनों यहाँ पर वेरिएबल है, मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है। तो चलिए हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हम f इज इक्वल टू m dv by dt प्लस v dm by dt आपका हो गया। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि f जो है वो किसके बराबर है, तो f इज इक्वल टू है dp अपॉन dt के, और यहाँ पर p की वैल्यू जब हम रखते हैं तो ये हो जाता है f इज इक्वल टू d mv अपॉन dt। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्योंकि आइंस्टाइन ने मास और वेलोसिटी दोनों को वेरिएबल माना था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को वेरिएबल माना है, आइंस्टाइन ने दोनों को वेरिएबल माना है, तो चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे f इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, मास को हम बाहर कर लेते हैं, पहले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस, फिर वेलोसिटी को बाहर कर लेते हैं और मास को भी डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, ये हो गया आपका एम डी बी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आगे, तो हमें करना क्या है कि हम इस बॉडी पे जो फोर्स हम लोगों ने लगाया था, एफ फोर्स हम लोगों ने लगाया था, ठीक है, तो अगर हमने एफ फोर्स लगाया था और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लेती है, मान लीजिए डीएस डिस्टेंस जो है बॉडी डिस्प्लेसमेंट बॉडी की हो जाती है, हमारे बल लगाने की वजह से बॉडी जो है थोड़ी डिस्टेंस कवर कर लेती है डीएस, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कुछ इस पे वर्क किया, तो हमने स्मॉल वर्क किया, मान लेते हैं डी डब्ल्यू वर्क हमने इस बॉडी पे किया। तो अगर हमको वर्क अगर कैलकुलेट करना होगा तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। ओके, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डी एस के बराबर होगा। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, यहाँ के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हम लोगों ने एफ की वैल्यू कैलकुलेट की थी, एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, अब ये एफ की वैल्यू जो है हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या थी, तो वो था एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, यही वैल्यू थी एफ की। ओके, और इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ds से। ओके, तो जब आप ds से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी और यहाँ पे है ds। ओके, और प्लस v dm बाई डी टी और यहाँ पे क्या है आपका, फिर से ds। तो चलिए यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं, तो इक्वेशन जो है वो हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या लिखेंगे, m डी एस बाई डी टी और डी वी हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा वी डी एस बाई डी टी और डी एम क्या हो जाएगा बाहर, हमने सिर्फ पोजिशन चेंज किया है, कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आगे हम क्या लिखेंगे, आगे देखिए आगे हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि डी एस बाई डी टी को हमने, डी एस बाई डी टी क्या है आपका, तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा आपकी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एम डी वी वी डी वी प्लस, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा v, और ये भी हो जाएगा v और ये हो जाएगा dm। नेक्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखेंगे, एम वी डी वी और ये v से v मल्टीप्लाई होके हो जाएगा v स्क्वायर dm। आई होप यहाँ तक आप सबका क्लियर होगा। ओके, रिलेटिविटी के अनुसार अगर कोई बॉडी जो है v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मास जो है वो क्या हो जाता है, तो उसका मास रेस्ट मास नहीं रहता, क्योंकि वो बॉडी मूव कर रहा है ना, तो वो उसकी मास होती है रिलेटिविस्टिक मास, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था। तो रिलेटिविस्टिक मास m की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो वो होगा m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है भैया। ओके, तो यहाँ पर m नॉट जो है वो क्या है, तो m नॉट जो है वो है आपका उस बॉडी की रेस्ट मास। ओके, और m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, यानी कि उस बॉडी की वो मास है मोशन के दौरान, जब वो बॉडी गति कर रहा है तो उस दौरान उस बॉडी की मास जो है उसे हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया कि चूंकि m नॉट जो है वो रेस्ट मास है और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, अभी हम लोग करते क्या है कि हम इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को बोथ साइड कर देते हैं स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ओके, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो हमने एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया। अभी हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को मास के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो मास के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो है कॉन्स्टेंट, एम नॉट भी कॉन्स्टेंट है रेस्ट मास, और सी भी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू डिफ्रेंशिएशन की वजह से हो जाएगी जीरो। ओके, अब यहां पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो इक्वेशन है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वेशन जो है इन सब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ये मिलेगा आपको 2m dm c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2m dm माइनस m स्क्वायर 2v dv। ओके, ये वैल्यू आपको वैल्यू डिफ्रेंशिएशन करके आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आगे क्या करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 2m से तो आपको क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो ही मिलेगा। यहां पर आप देखिए जब आप इसको 2m से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m dm c स्क्वायर अपॉन 2m माइनस v स्क्वायर 2m dm अपॉन 2m माइनस एम स्क्वायर टू वी डी वी अपॉन टू एम। ओके, चलिए अब यहाँ पर कैंसिल कराते हैं, ये देखिए आप कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, एम से एम भी कैंसिल हो गया, टू से टू आपका यहाँ भी कैंसिल हो गया, और एक एम से एक एम भी कैंसिल हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी, इक्वेशन हमको मिला, और ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो एम सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी वी, ओके ये आपको मिला। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने 2m से 2m कटाया तो d हमारा छूट गया था, हमने वो d लिख दिया, तो ये हो गया डी एम सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी। ओके, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को अब कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं सारे ये दोनों वैल्यूज को, तो लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम। ओके, तो इससे पहले हम यहाँ पर कुछ इक्वेशन ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, ये इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए और इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा आप देखिए। ओके, हमने सेकेंड स्टेज स्टार्ट किया था यहाँ से नया फेज सॉल्व करने का, और इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ला के छोड़ दिया था। ठीक है, इक्वेशन नंबर को यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, 3 जो आप कहना चाहें। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। ओके, तो अब हमने देखा कि हमने जो रिलेटिविटी वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने कहाँ पहुँचा दिया, तो हमने यहाँ पहुँचाया वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम आपको मिला। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम सी स्क्वायर डीएम के बराबर जो है हमने यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेट किया। अच्छा, ये जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ये वैल्यू किसकी थी, तो आपको याद होगा ये वैल्यू किसकी थी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने वर्क कैलकुलेट किया था। ठीक है, डी डब्ल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ओके, तो डी डब्ल्यू हमने कैलकुलेट किया था, डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है एम वी डॉट डी वी प्लस
वी स्क्वायर डीएम आपको मिला था। तो यहाँ पर जो किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क उस बॉडी की एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर्ड हो जाती है। अगर वो बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी के इज इक्वल टू, डी के क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एम बी डॉट डी बी प्लस वी स्क्वायर डीएम। अभी हम क्या कर सकते हैं कि डी के को हम लिख सकते हैं, अगर डी के जो है इसके बराबर है और यहाँ पर इस इक्वेशन में सी स्क्वायर डीएम जो है वो इन दोनों के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि डी के जो है और इसके साथ साथ सी स्क्वायर डीएम जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी के यानी काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डीएम। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। ठीक है, तो अभी आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको मिला। किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में थोड़ा सा वर्क होता है डीएस डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद, और वो वर्क जो है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर उसमें स्टोर्ड हो जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया जो डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डीएम के बराबर है। अभी आपको करना क्या है कि ये तो स्मॉल अमाउंट आपको काइनेटिक एनर्जी मिले ना, अभी काइनेटिक एनर्जी जो मिला वो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी आपको मिला, लेकिन बॉडी की मास जो है वो चेंज हुई है m नॉट से m तक। बॉडी की मास जो है स्पीड बढ़ने के साथ क्या होती है, चेंज होती है। तो अभी हम क्या करना है कि टोटल एनर्जी हमें निकालना है। तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे डीके की वैल्यू को। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो रेस्ट मास से लेके रिलेटिविस्टिक मास तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो अब हम इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो m नॉट से m तक आप इंटीग्रेट करोगे किसको, c स्क्वायर dm को आप इंटीग्रेट कर दोगे। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट है m और लोअर लिमिट है m नॉट। ये वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर m माइनस m नॉट ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये आपको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिली, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। तो यहां पर जो इक्वेशन आपको मिला, क्या इक्वेशन आपको मिला, के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट इक्वेशन जो आपको मिला। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रहा है कि किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर का, किसके साथ, तो चेंज इन मास ऑफ द बॉडी। चेंज इन मास ऑफ द बॉडी यहाँ पर हो रहा है ना, ये आपका है रिलेटिविस्टिक मास, ये है आपका ओरिजिनल यानी रेस्ट मास। तो बढ़े हुए मास में से आप पुराने मास को घटाओगे तो कितना मास में चेंज हुआ ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, डेल्टा एम जो है वो एम माइनस एम नॉट के बराबर है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, कोई बॉडी जो है अगर वो बॉडी मोशन करना शुरू करती है तो उसकी मास जो है रेस्ट मास m नॉट थी और उसकी मास जो है m नॉट से m हो जाती है, तो इसकी जो मास इंक्रीज की, किसी जो मास जो इंक्रीज करती है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल जा रही है। यहाँ पर इसे देखने से तो यही पता चल रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपने इक्वेशन से क्या देखा कि जितना बॉडी का मास इंक्रीज किया, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो अब की मास और पहले के मास को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है सी स्क्वायर से, तो ये मिल जाएगा आपका डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर है, जो हमें बताता है कि जितनी मास इंक्रीज हुई है वही उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो गई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर उस बॉडी की टोटल एनर्जी, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो बॉडी के स्टार्ट होने से पहले वाली एनर्जी यानी कि रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी है, और सम किसके सम, तो काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई उसको मोशन की वजह से, उसका सम जो मिलेगा वही होगा किसके, टोटल एनर्जी के बराबर। ओके, तो यहां पर जो रेस्ट मास है वो हमने कहा m नॉट c स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने क्या निकाली, तो वो हमने निकाली m माइनस m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपके टोटल एनर्जी जिसे हम कहते हैं e। ओके, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी m नॉट c स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर। एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आपको मिली एम सी स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। ओके,